नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त सुबह समाचार में नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी है। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ खबर दिया है आपको विस्तार से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लगा उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, इस बारे में भी करेंगे विशेष रूप से चर्चा। मुंबई के लोगों को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चुनाव के पहले ही अपनी सरकार बनाने की पेशकशों को कैसे किया तेज, जानिए इस वीडियो की माध्यम से। लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद में अब राजद सुप्रीमो की क्या है नई नीति, और कांग्रेस के तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का क्या है नया प्रयास, करेंगे विस्तार से चर्चा। आज यहां भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे गुजरात का, और अब प्रधानमंत्री का भी दौरा गुजरात को लेकर के 29 और 30 सितंबर को कर सकते हैं जनसभा को संबोधित। इसके साथ दोस्तों दीदी ने एक बार फिर से वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई उनकी औकात। दीदी ने चलाया घरों पर बुलडोजर। चिराग पासवान ने बिहार को दिया एक नया नारा, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट के नारों के साथ सरकार बनाने की करेगी पुरजोर प्रयास रामविलास पासवान की पार्टी। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ गुजरात जीतने की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को जीतने की बातों को अब तेज कर दिया है। तो इसके साथ आज की बड़ी खबर में एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कैसे बिहार उत्तर प्रदेश समेत तमाम अन्य जगहों पर बाढ़ ने एक नया प्रकोप दिया, और इसके साथ दोस्तों लोगों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों में की जाने वाली घुसखोरी का बड़ा पर्दाफाश, जानिए क्या है नई खबर। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कैसे गुजरात के चुनाव में मतदाताओं ने अपनी शक्तियों का किया बड़ा प्रदर्शन, कहा हमारे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को देखेंगे विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप तेजस्वी यादव के फैन हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं, तो आप इस वीडियो को महज 5 सेकंड के अंदर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के लाइक करने का पैसा नहीं लगता, और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं कि आपको तुरंत लाइक कर देना चाहिए। बिहार के तमाम युवाओं के लिए, बिहार के तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद में पूरी तरीकों से बिहार का मिजाज बदल गया है, बिहार के लोगों का मिजाज बदल गया है, और बिहार में एक नया बदलाव तो हुआ, लेकिन इस नए बदलाव के साथ तेजस्वी ने आज इस ऐलान के किए जाने के बाद में लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। और उन लोगों को अगर आपके भी घरों में तोहफा मिलने वाला है, और ये तोहफा रोजगार को लेकर के है। तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दों पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा सभी रिक्त स्थानों पर वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों से मांग दी है, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब जब कैबिनेट बैठक होगी तब तब रोजगार मिलेगा, यानी जितनी बार कैबिनेट की बैठक उतनी बार रोजगार। गरीबों को 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का भी वादा श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो बिहार में एक नई सरकार जो कि महज 10 दिनों पहले बनी, और आज ये सरकार ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। इन सरकारों के द्वारा लोगों को अपने समर्थन में लाने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और ऐसे में बदल रहा है बिहार, बिहार की जनता को मिल रहा है उपहार। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हो सकते हैं सबसे बड़े बेईमान आदमी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी जानकारी हमने आपको बताई कि जब जब कैबिनेट बैठक होगा तब तक मिलेगा युवाओं को रोजगार, बिहार में युवा अब बेरोजगार ना रहे, इसको लेकर के एक नई प्रयास, एक नई सोच की शुरुआत हो गई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर क्यों करते हैं, बिहार के माँ छठ के पूजा को आने की तैयारी लगातार की जा रही है। माता रानी का कृपा इस बार रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा, बदलेगा बिहार और बिहार के लोगों का मिजाज। लेकिन ऐसे में बिहार के लोगों के मिजाज के बदलने से पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या है नई खबर। दोस्तों बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है, बिहार में नई चीज़ें हुई है, जातिगत जनगणना होने वाला है, और बिहार में इस बार बड़ा बदलाव यह हुआ है कि कोरोना के बाद में पहली मर्तबा देश में लगातार छठ पूजा को बड़े स्तर पर की जाने की तैयारी हो रही है। वो नेवेड़ा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सब जगहों पर जहां बिहारी वास करते हैं माँ जी हाँ छठ की प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है वहां, और पूजा अर्चना करने की जो तैयारी है वो भव्य तरीकों से की जा रही है। तो आपको बता दें कि अगर आप भी बिहार आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस बार मिस मत कीजिएगा, बदला बदला
सा बिहार एक नए मिजाज के साथ दिखाई देगा। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस में लगातार इस बात को लेकर के हलचल है कि अब नया अध्यक्ष कौन बनेगा, किसको मिलेगी भागडोर और अध्यक्ष पद की कुर्सी को दिए जाने के बाद में क्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के साथ धोखाबाजी तो नहीं कर देगा, क्योंकि कांग्रेस को कई बार नस्तानाबूद करने की जो षड्यंत्र और साजिशों को रचा गया है वो सब कुछ जो है वो आज जान चुकी है जनता। और ऐसे में कांग्रेस के अस्थाई सदस्य अस्थाई अध्यक्ष अभी तक नहीं मिला है, तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी अपना पर्चा दायर कर सकते हैं, लेकिन नाम में आगे कई नेताओं का है। अशोक गहलोत से लेकर के तमाम नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को बेहतर करने की बात कही और अपने आप को लोगों के सामने पेश करने की बात कही। फिलहाल कौन होगा अध्यक्ष ये देखने वाली बात होगी और ये भी वक्त बताएगा, देखने वाली चीज़ें वक्त के साथ। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त पेट्रोल और डीजल को लेकर के। बढ़ती महंगाई के बीच में लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी है। ऐसे में बात करें पेट्रोल और डीजल की तो कीमतें लगातार एक नए उछाल के साथ लोगों को परेशान कर रही है, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसके साथ ही लोगों ने सरकार को अड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार के द्वारा हमें प्रभावी करने का, हमें परेशान करने का षड्यंत्र और साजिश को रचा जा रहा है। इसीलिए सरकारों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें ही जो गरीबों के रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे अधिकतम काम आती है उससे बढ़ाया जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ज़्यादा हो जाने से लोगों की तकलीफें बढ़ गई है। लोगों ने जमकर सरकार को खरी खुची सुनानी शुरू कर दी है और सरकार भी इससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। सरकार की भी कुछ कमियाँ हैं, सरकार की भी कुछ खामियाँ हैं और अगर आप इसे देखेंगे समझेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर ये है कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनाडा जाने से पहले जो नियम और कानून बदले बदले से नज़र आ रहे थे उन नियमों और कानूनों का एक नया डेवलप किया जाने वाला है। कोरोना के काल के बाद में कनाडा जाना बड़ा मुश्किल का टास्क था, लेकिन अब इसे और आसान किया जा रहा है। और ऐसे में आसान इस वक्त ऐसे भी किया जा रहा है कि कनाडा के तमाम कोरोना से जाँच रिलेटेड जो चीज़ें थी उसे बेहतर किया जा रहा है और इसे अब एक नए ढांचे में ढालने की तैयारी शुरू हो गई है। तो 1 अक्टूबर 2022 से अगर आप कनाडा का रुख कर रहे हैं, कनाडा जाने वाले हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, कई अन्य चीज़ों का बदलाव, कई अन्य चीज़ों की नई तस्वीरें और इसके साथ ही नया तस्वीर होगा, लोगों के जाने का सिलसिला भी तेज होगा। तो ऐसे में कनाडा जाने की जो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि नई तस्वीरें आएगी। दोस्तों एक और बड़ी खबर की शुरुआत। आपको बता दें कि अगर आप अटल पेंशन योजना में अपने अभी तक दायर कर दिया पर्चा और अटल पेंशन योजना में अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं और आपने इसमें अपना योजना के तहत लाभ लेने के लिए करा रखा है तो आपको क्या नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ? आपका पैसा बर्बाद हो गया, डूब गया? ये बात हम नहीं, ये एक खबर आने के बाद में अफवाहें उड़ रही है, गलत खबरें चल रही है। लेकिन दोस्तों सरकार ने ये कहा है कि इनकम टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स पे करते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा की आमदनी है उन लोगों को अब जो है अटल पेंशन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अटल पेंशन में उन्हें जोड़ा जाएगा जो इसके लाभ नहीं लेते हैं, यानी अटल पेंशन में लोग जो जुड़ गए हैं और जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो अटल पेंशन योजना में जुड़ने और इसके साथ नई तस्वीरों को लेकर के नई चीज़ें साझा की गई है। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त भगवान की इस बार आरती और मां दुर्गा की दशहरा में लोगों ने खूब जमकर स्वागत किया है। जगह जगह पर पंडाल और प्रतिमाओं को सजाया जा रहा है और ऐसे में बात करें जी हाँ अपूर्वी बिहार उत्तर प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार एक नई तस्वीरें बनाने की तैयारी हो रही है। तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और इसके साथ सहरसा, गया,
पटना और इसके साथ ही तमाम अन्य जिलों में भी इस बार माँ दुर्गा की पंडाल में लाखों करोड़ों रुपए की खर्च हुई है। और एक नई तस्वीर इस बार देने की कोशिश हो रही है बिहार से कि बिहार में भी कुछ बड़ा कलाकारी इस बार बिहार के गोपालगंज जिलों में जो पिछली बार बुर्ज खलीफा का तस्वीर वायरल हुआ था, कुछ ऐसा ही तस्वीर गोपालगंज के नज़ारे देखने को और चार चांद लगाने को तैयार होंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का नारा ही नहीं दिया। अब इसको लेकर के लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि कैसे बिहार में एक नई सरकार और एक तीसरा जो विकल्प है वो मिल सके। तीसरा विकल्प के तौर पर इसे संवारने और बनाने की तैयारियों को किया जा रहा है। और ऐसे में जब मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो चिराग पासवान ने बड़ा दावा इस वजह से भी किया है क्योंकि उनकी रणनीति, उनकी कारगर सोच ने इस बार बिहार को लगातार डेवलप करने का कोशिश किया। तो दोस्तों, बिहार में पिछली बार भाजपा के हलवान बनकर उभरने वाले जी हाँ चिराग पासवान जो है वो काफ़ी एक्टिव है, और लेकिन एनडीए में प्रिंस राज ने उनको हमला पर लिया और कहा कि कुछ लालची लोग हैं जो लोग एनडीए को तोड़े, एनडीए के नियमों को तोड़े, एनडीए के नियमों को तार तार करते हुए बर्बाद करने की जो कोशिश है वह उन लोगों के द्वारा की गई थी, लेकिन इन सभी चीज़ों से हमारी कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए में हम हैं, रहेंगे और हमारी कोशिशें भी कुछ बेहतर करने की होने वाली है। एक और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया और आज नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कोशिश की है वो बहुत तैयारियों भरी है, और ऐसे में हम लोगों की जो कोशिश है वो सिर्फ एक है कि कैसे हम युवाओं को रोज़गार दे सके। युवाओं के रोज़गार के लिए हम लोग रातों दिन एक करके सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन अधिकारियों से तमाम अन्य चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारी जो प्रयास और कोशिशें हैं वो इस बात से की जा रही है कि कैसे आगामी आने वाले दिनों में हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की सृजन बिहार में कर सकें। तो आज नीतीश कुमार ने एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब जब कैबिनेट की बैठक होगी तब तब युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, और ऐसे में युवाओं को रोज़गार देने की जो प्रयास। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से सैमसंग गैलेक्सी और इसके साथ तमाम अन्य फ़ोन सस्ते हुए हैं। बिलियन डेज और दीपावली जैसे मौक़ों पर अगर आप फ़ोन की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ हो सकता है। तो फ़ोन की खरीदारी करने के लिए ज़्यादा वक्त लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम साल भर यानी एक साल पर पूरे पूरे आते हैं, और अगर आप इसके बारे में खरीदारी करना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका भी नहीं मिल सकता। तुरंत इसकी खरीदारी करें। हमें उम्मीद है कि इस बार जो नए ऑफ़र आए हैं उसमें अपने नए फ़ोन भी यूज करने के बारे में सोच रहे होंगे। आईटीजी न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।